आज के जलसे के सरक और हमारे छोटे भाई होनहार जबरदस्त कामगार हारून यूसुफ साहब सम्मान में सभी लोग जो आज इस मंच पर बैठे हैं और यहां सभा में सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह व बरकातहू। पूरा बोला कीजिए, आधा नहीं, क्योंकि जब मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूं तो आधा नहीं पढ़ता, पूरा पढ़ता हूं। इसलिए मेरे मौलाना जिन्होंने मुझे उर्दू पढ़नी लिखनी सिखाई, उन्होंने कहा था तुम बोलोगे तुम्हें पूरा लगेगा, जो आधी बोलेगा उसको आधी दुआ लगेगी, पूरी नहीं लगेगी। मेरे लिए सच में बड़ी खुशी का समय है, यह वक्त है कि मैं हारून भाई के इस जलसे में आया। आप जानते हैं कि मैं हिंदुस्तान के लिए खेला। मेरे वालिद साहब एक स्वतंत्रता सेनानी थी, आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था, उनके पांव में गोली लगी थी, 6 बार जेल गए थे, 150 कोड़े खाए थे। ऐसे यहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान यहां होगा जिसके बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई में शहादत न दी हो, जेल न गए हो, कोड़े न खाए हो या गोली न खाई। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा यहां? कोई ऐसा है जिसने आजादी की लड़ाई में जिसके पुरखे ने लड़ाई न लड़ी हो? बोले, आवाज दीजिए, क्यों ठंडे पड़े हैं? नहीं है। लेकिन चड्डी वालों ने, आप चड्डी वाले समझते हैं, चड्डी वालों ने 1940 में जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हुआ था, तो उन्होंने रानी को, जो ब्रिटिश हुक्मरान थी उस समय, उनको एक खत लिखा था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हम शिरकत नहीं करेंगे, हम रानी की हुकूमत से खुश हैं, ब्रिटानिया हुकूमत हिंदुस्तान में बनी रही, यही वो चाहते थे। आज हमें जब वो लोग राष्ट्रवाद सिखाते हैं तो बड़ा खेद होता है, जो भारत माता की जय बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, गर्व से बोलता हूं भारत माता की जय, लेकिन जो लोग आज भारत माता की जय बोलते हैं उन लोगों ने इस भारत मां की आजादी में अपना कोई भी योगदान नहीं दिया था, कुछ नहीं किया। फिरका परस्त वो थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिन्होंने 3-3 गोली उनके छाती से उतार दी थी, और कल जो हुआ है वह भी उसी का एक उदाहरण है, जो कि बार बार यही कहा जाता है। मैं हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेला, मैं 3 साल की उम्र में दिल्ली आया था, यही मॉडर्न स्कूल में पढ़ा, यही दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ा, दिल्ली के क्रिकेट टीम का कप्तान बना। 1983 में जब भारतीय टीम विश्व कप जीती थी कप्तान कपिल देव की कप्तानी में, तो ये आपका भाई कीर्ति आजाद भी उस टीम का सदस्य था जब ब्रिट वर्ल्ड कप लेकर आया था। और जब मैं उस टीम में था तो कीर्ति आजाद एक हिंदू नहीं था, सैयद किरमानी एक मुसलमान नहीं था, रॉजर बिनी एक ईसाई नहीं था, बलविंदर साधु एक सिख नहीं था, हम सभी हिंदुस्तानी थे और अपने वतन के लिए खेल रहे थे। और अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे और अपनी कौम के लिए खेल रहे थे, तो फिर वह कप को 4 टुकड़ों में काट करके हमारे बीच में बांट देना चाहिए। आज यही चाहती है, आज के जो लोग हुक्मरान हैं वो यही चाहते हैं कि देश टूटे। हमारी जो रवायत रही है, और आज से नहीं सदियों से रही है, कि जब पारसियों को ईरान में तब पर्शिया था मारा जा रहा था, तो हमने हाथ खोल करके अपने सीने से लगाया था और अपने वतन में उनको जगह दी थी। मुझे समझ नहीं आता कि आपसे कुछ भी पूछो तो आप कहते हैं पाकिस्तान। बड़े वादे किए थे बड़े मियां ने, उन्होंने कहा था, याद होगा आपको, भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, मिली क्या? मिली। 15 लाख रुपए खाते में आए, महिला को सुरक्षा मिली, कहा महंगाई कम हुई? नहीं हुई। काला धन भी नहीं आया। और उनसे कभी बोलो 6 साल हो गए आपको हुजूर, कम से कम ये तो बता दो कि महंगाई का क्या हुआ? तो पाकिस्तान। रोजगार का क्या हुआ? पाकिस्तान।
महिला सुरक्षा का क्या हुआ तो पाकिस्तान? अरे भाई अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा प्यार है पाकिस्तान से तो चले जाओ, या हिंदुस्तान हमारे पास छोड़ दो, हम ठीक कर लें। जो इस वतन में रह रहे हैं 47 की आजादी के बाद, जो फिरका परस्त थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो इस वतन में रह गए वो सारे वतन में आपस में एक साथ रहने का हक, बराबरी का हक हमें है। इसे लोगों को तोड़ो मत, लोगों को जोड़ो, लोगों को साथ लेकर के आओ, क्योंकि आजादी की लड़ाई में हम एक साथ लड़े थे। आजादी के बाद जो हिंदुस्तान बनी और खड़ी हुई, हम सब एक साथ मिलकर के खड़े हुए थे। और अगर आजादी की लड़ाई में कोई एक पार्टी खड़ी थी जिसका एक झंडा था तो वह कांग्रेस पार्टी थी, जिसके झंडे के तले हम सब लड़े थे। यह छोटे मियां, छोटे मियां समझे कि नहीं छोटे मियां? अरे बोलो भाई, छोटे मियां को समझे ना समझे? बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ये आंदोलन से निकले साहब, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ूंगा, मैं लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। इनके उस्ताद कौन थे? अरविंद केजरीवाल साहब के। इनके कौन थे भाई उस्ताद? अन्ना हजारे साहब। उन्होंने कहा राजनीति में नहीं जाना, हमें यह आंदोलन बना के रखना। अरे वो जिनका शागिर्द है, जो अपने उस्ताद का न हुआ, वो हमारा और आपका और दिल्ली वालों का क्या होगा? 4.5 साल कहता रहा कि मोदी मुझे काम नहीं करने देता, कहा कि नहीं कहा? उसने कहा कि एलजी मुझे काम नहीं करने देता, और उसने अपनी जुबान में यह कह दिया मैं अनार्किस्ट हूं, मैं संविधान को नहीं मानता। यही कारण है कि आज सीए के साथ साथ खड़ा है, उसके विरोध में उसने आज एक शब्द एक लफ्ज तक नहीं निकाला। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, गुमराह हो गए थे आप, जो गुमराह हुए अब लौट चले कांग्रेस की ओर। यही पार्टी थी 6 साल से केंद्र की हुकूमत में, भारतीय जनता पार्टी बैठी है। कांग्रेस कमजोर हुई, हिंदुस्तान कमजोर हुआ, कांग्रेस मजबूत होगी, हिंदुस्तान मजबूत होगा। इसकी जरूरत है सबकी, अभी जरूरत है, और जो आवाज दिल्ली से निकलेगी वो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, पूरे मुल्क में जाएगी, और लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि ये वादे जो थे, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, ये बंदा सीधा साधा। पिछले साल 6-5 चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी, 5 विधानसभा के चुनाव हुए, 5 के 5 हार गई। इस साल का आगाज भी बड़ा अच्छा हुआ जब झारखंड में ये हारे। आज सभी लोग समझ रहे हैं कि जो हमारे साथ दगाबाजी की गई, जो हमें धोखा दिया गया है, उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस को वापस आना चाहिए। 6 के 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार वापस आई, इसलिए ठंडे ना पड़े। ये वादे कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहा हूं, अरे 200 यूनिट बिजली फ्री करने का लॉलीपॉप दे रहा हमें? 4.5 साल काम नहीं किया, अगस्त में नोटिफिकेशन निकाली, सितंबर में कहा 200 यूनिट फ्री दे रहा हूं, और आपको मालूम है कब तक है? आप जानते हैं कब तक है? आपको मालूम है नोटिफिकेशन कब तक है फ्री का? नहीं मालूम। 31 मार्च 2020 मतलब फरवरी में चुनाव, 31 मार्च के बाद वो फ्री हट जाएगा, यानी कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, सारी फ्री खत्म, पानी फ्री खत्म। एक तो पानी नहीं तो पूरा मिलता होगा, कहते अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, 2 तो एमसीडी के स्कूल मैंने सुना यहां बंद हो गए। यहां स्कूल बना? स्कूल बना यहां? अरे बताओ ना भैया, बोलते नहीं है। अस्पताल बना यहां? कहता मैंने मोहल्ले क्लिनिक बनाए हैं। अरे मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं बना यहां पे, और मोहल्ला क्लिनिक में होता क्या है? सर्दी जुकाम पेचिश बुखार, इसी का इलाज होता है। अरे कहीं किसी की सर्जरी करनी हो, ऑपरेशन करना हो, तो उसके लिए बड़े अस्पताल की जरूरत पड़ती है। तुमने केवल जैसे बड़े मियां जुमला छोड़ते हैं, तुमने भी यहां जुमला छोड़ा है। आज न स्कूल है, ना अस्पताल है, ना बारात घर है,
24 घंटे बिजली, वो तो शीला मां चली गई हमारी, नहीं तो दिल्ली में उनके आने से पहले केवल 7 से 8 घंटे बिजली आती थी। उन्होंने यहां बिजली की को दुरुस्त किया, जो चोरी होती थी 70% उसको खत्म किया और आपको 24 घंटे बिजली मिली और 600 यूनिट की सब्सिडी मिलती थी। आज हमने उनके नाम पे यह तय किया है हमारी सरकार आप लोगों की बदौलत बनेगी। यहां जो आवाम सारे लोग बैठे हैं आपकी के कारण से बनेगी और हमारी सरकार जब बनेगी तो 200 यूनिट नहीं, आपका हक 600 यूनिट का, आपको 600 यूनिट फ्री मिलेगा। जो दुकानदार हैं उनको 200 यूनिट देंगे। और 21,000 लीटर पानी की बात कहीं कहां मिलती होगी, हम उसको दिलाने की आपको पूरी अपनी तरफ से जोर लगा देंगे और आप जितने लीटर पानी बचाएंगे उसमें 30 पैसा प्रति लीटर आपके खाते में जमा होगा। यह सोच है, कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक नहीं रही, सरकार उसकी इसलिए नहीं बनी रही कि वैसे ही छोड़ती थी जुमले। कांग्रेस ने काम किया था, कांग्रेस ने देश को बनाया था। ये बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, अरे जितने बड़े बड़े कारखाने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जहां लोहा बनता है, कोल इंडिया जहां कोयला, ONGC, एयर इंडिया जैसे बड़ी बड़ी जगहों को इन्होंने खोला। और जिस चीज को हमने किया, तुम पूछते हो कांग्रेस ने किया क्या किया, हमने जो किया उसको तुम आज बेच रहे हो, तुम प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेच रहे हो। इसलिए कहता हूं समझ जाओ हिंदुस्तान वालों, नहीं तो नर दास्तां भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। इसलिए सोचिए, बरगराने वाले आए हैं, हमारी पार्टी ट्राइड और टेस्टेड पार्टी है। हो सकता हमने पीछे गलतियां की हो, उसकी हम जरूर गुस्ताखी की माफी आपसे मांगेंगे, लेकिन आज जब हम लोग आपके साथ पूरी तरीके से पुरजोर खड़े हैं और हम अपने देश को नहीं बटने देंगे, हम अपने देश में भाई भाई को अलग नहीं होने देंगे, हम देश में भाई भाई को लड़ने नहीं देंगे, हम देश में भाई भाई को एक साथ रखेंगे और हमारा वतन, यह मादरे वतन जो हम सबों का है, उसको एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। यही आपसे गुजारिश है। मुझे फक्र है कि मैं हिंदू हूं, आपको फक्र है कि आप मुसलमान हैं, लेकिन हम सबों को फक्र है कि हम इंसान हैं और साथ में भाई हैं। हम एक दूसरे के दस्तूर जानते हैं। मैं यहां तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने आया हूं। ये फिरका परस तोड़ते हैं हमें, लेकिन हमारी जो रवायत रही है उसको चलाने के लिए जरूरी है कि हम एक बार फिर से कांग्रेस को खड़ा करें, मजबूत करें। और ये हमारा भाई हारून, इसको आज से जानते हैं, कब से जानते हैं इनको बताइए, पैदाइशी से जानते होंगे आप इनको, ये जब यहां पर नंगे घूमते थे छोटे थे जब, तब से जानते होंगे। जबरदस्त कर्मठ आदमी है और जरूरत है ऐसे लोगों की। कांग्रेस को ऐसे बाजू चाहिए जो कि आपकी आवाज इस विधानसभा में जाएंगे तो उठा सकें, आपकी आवाज के लिए जो लड़ सकें, आपके लिए जो मरने को तैयार हो, ऐसा इंसान हमें चाहिए। और इसलिए हम हारून भाई के लिए यहां पर आज आप सबों के बीच में आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इनका साथ देंगे। देंगे नहीं देंगे, हाथ खड़ा कर दीजिए ना, हाथ खड़ा कर पीछे भी बताइए, इधर ही बताइए, आप लोग ने आप नहीं देंगे, आप नहीं करेंगे, हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे भाई, तो करो ना। और भैया देखो, वादा जो होता है ना, जब कसम खाई जाती है तो उसको अमल भी किया जाता है। मुझे आगे मीर जावेद अली जी के कार्यक्रम, मिर्जा जावेद अली जी के कार्यक्रम में जाना है साथ में, इसलिए मैंने पहले तकरीर की, लेकिन आपने जो मेरा खैर मकदम और इस्तकबाल किया है उसका मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूं। और इनको अभी आ रहा था अपने साथ में जिस मोटरसाइकिल पर चढ़कर, मैंने कहा अगर मुझे मालूम होता कि अल जवाहर पास में है तो मैं कम से कम आलू मटन गोश्त मंगवा लेता, क्योंकि मैं जब यहां रहता था, MP था, तो यहां पर जरूर आता था अल जवाहर। पहले तो करीम पे खाता था, लेकिन अल जवाहर का मुझे वो भेजा फ्राई बड़ा अच्छा लगता, तो बड़ा शौकीन हूं नॉन वेजिटेरियन खाने का, तो शीरमाल बाकर खानी है सब सब लेकर के जाता।
तो फिर मुंह में पानी आना शुरू हो गया, जबान कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, ठंडी हो गई है, ऊपर बर्फ जम गई है। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, उस बर्फ को पिघलाओ, ठंडे मत पड़े रहो। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही, कहीं न कहीं कोई आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और यह सूरत तब बदलेगी जब आप लोग बदलेंगे। हटा दीजिए, नहीं जरूरत हमें इसकी, नहीं चाहिए झूठे जुमले, नहीं चाहिए झूठे वादे। अगर हमको चाहिए ये हाथ, जिस हाथ से हम काम करते हैं, जिस हाथ से हम अपनी तकदीर बनाते हैं, ये वही हाथ है जो हमारी तकदीर को बनाएगा और हमारे मुल्क को बनाएगा और हमारी दिल्ली को बनाएगा। तो हारून भाई का तो मान लो ना, आप लोगों को देख के क्या भाई बताओ ना, हाथ तो खड़ा कर रहे हो, हाथ खड़ा करो तो हारून भाई को माला पहना दो, पक्का बनाओ, बना दो, हाथ तो खड़ा करो भाई, लो भाई माला। हारून यूसुफ, कीर्ति आजाद, कीर्ति आजाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शीर माल तो मिल गया और मटन को घर भिजवा दीजिएगा। मैं दरख्वास्त करूंगा, हम चाहते थे आप यहां कीर्ति भाई जी को, जैसे मैंने बताया था कि कीर्ति आजाद जी के पिता भी स्वर्गीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार, उनके सपूत